वेलकम फ्रेंड्स, पार्ट 16 में आपका स्वागत है। इस क्वेश्चन में ए इज इक्वल टू 100 दिया हुआ है, डी इज इक्वल टू 50 दिया हुआ है और एन इज इक्वल टू 21 दिया हुआ है, राइट। और मुझे 21 टर्म तक का सम मुझे ढूंढना है। तो पहले तो मैं इस इंफॉर्मेशन से मेरी एक एपी जो बनेगी वो बना लेता हूँ। फर्स्ट टर्म मेरा 100 है, उसमें कॉमन डिफरेंस डी 50 ऐड कर दिया तो ये 150 हो जाएगा, फिर ये 200 हो जाएगा, फिर ये 250 हो जाएगा, वैसे ही चलता रहेगा। और मुझे 821 तक मुझे क्या करना है, इस टर्म को लिखते जाना है। अब मैं मेरा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, पहले मैं 820 ढूंढ लेता हूँ, राइट। तो लास्ट में 820 ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, ए प्लस 20D। फिलहाल हमारे पास ए की वैल्यू है 20 इंटू डी की वैल्यू 50 थी। अब ये 100 प्लस 1000 इज इक्वल टू 1100, ये हमारा आ गया ये वाला टर्म। मतलब अगर आप 21 नंबर का टर्म लिखोगे तो क्या होगा, 110 होगा। मतलब यहाँ पे मेरी एपी ख़त्म हो जाएगी। इट मीन्स हमें जो फर्स्ट टर्म मिला वो 100 मिला और जो लास्ट टर्म मिला वो कितना मिला, 110 मिला, या ए 21 नंबर का टर्म कितना मिला हमें, 110 मिला। अब मुझे इस पूरे सीरीज का सम करना है, ठीक है, 21 टर्म तक का मुझे सम करना है। तो मैं क्या करूँगा, एस ऑफ एन इज इक्वल टू एन बाई टू, मेरे पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों हैं तो मैं ए प्लस एल लगा लेता हूँ। एस ऑफ 21 इज इक्वल टू 21 बाई टू, ए 100 प्लस ये 1100। अब एस ऑफ 21 इज इक्वल टू 21 बाई टू, यहाँ पे हो जाएगा 1200, 600 आ गया। एस ऑफ 21 इज इक्वल टू 21 इंटू 600, एस ऑफ 21 इज इक्वल टू 26 जा 12 एंड 6 1 जा 600। मतलब आपने चुटकियों में एक सीरीज के 21 टर्म तक की वैल्यूज का आपने सम कर दिया। काफ़ी आसान टूल है, काफ़ी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है अरिथमेटिक सीरीज का। बोर्ड एग्जाम में आपको सम ऑफ एपीई ढूंढने के लिए ही बोला जाता है, तो इसको आप थोड़ा ज़्यादा फोकस करके करिए तो ही आपको समझ में आएगा। वीडियोज़ को 3-4 बार देखिए तो ही आपको आइडियाज़ दिमाग में आएगी और आपका कंसेप्ट स्ट्रांग होगा। मिलते हैं पार्ट 17 के अंदर। थैंक यू सो मच।